नेटफ्लिक्स पर रिकॉर्ड कारोबार करने वाली जनूबी कोरिया की सीरीज स्क्विड गेम एक बार फिर तहलका मचाने के लिए तैयार है। नेटफ्लिक्स की जानिब से सीरीज के सीजन 2 की तैयारी का ऐलान कर दिया गया है। मकबूल स्ट्रीमिंग कंपनी ने एक ट्वीट में बताया कि स्क्विड गेम की सीजन 2 के साथ वापसी हो रही है। नेटफ्लिक्स ने इस सीरीज के राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की जानिब से फैंस के लिए लिखे गए मैसेज को शेयर किया। ट्वीट से मुंसलिक तस्वीर में सीरीज से मुतालिक लिखा कि एक बिल्कुल नया राउंड आ रहा है। गुज़िश्ता साल स्क्विड गेम का सीजन 1 लाने में 12 साल लगे, लेकिन रिलीज होने के सिर्फ 12 दिन के अंदर ही ये नेटफ्लिक्स की मकबूल तरीन सीरीज बन गई। ट्वीट में शो को देखने और पसंद करने वालों का भी शुक्रिया अदा किया गया। नेटफ्लिक्स ने स्क्विड गेम के सीजन 2 का ऐलान तो कर दिया, मगर अब तक ये वाजे नहीं कि इसे कब तक रिलीज किया जाएगा। 2021 में रिलीज होने वाली स्क्विड गेम स्ट्रीमिंग सर्विस की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली सीरीज में से एक है, जिसके बाद दूसरे सीजन के बारे में भी खबरें गर्दिश कर रही थी। ताहम सीजन 2 से मुतालिक कोई बाजाबता ऐलान नहीं किया गया था। कुछ अरसे पहले एक इंटरव्यू में डायरेक्टर ने ख्याल का इजहार किया था कि स्क्विड गेम का नया सीजन 2023 या 2024 तक रिलीज किया जा सकता है, जिसमें ज्यादा खतरनाक गेम्स को देखा जाएगा। सीजन 1 की बात की जाए तो जनूबी कोरिया में फिल्माई गई ये सीरीज 9 इकसाद पर मुश्तमिल थी। ये सनसनीखेज ड्रामा सीरीज में कर्ज में डूबे लोगों को बहुत सारे पैसे जीतने का लालच देकर बच्चों के खेल खिलाए जाते हैं और हारने वाले को गोली मार दी जाती है। गुज़िश्ता साल कोरोना वायरस के 22 लोगों ने अपना ज़्यादातर वक्त घरों में गुजारा और इसी वजह से नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर्स की तादाद में इजाफा देखने को मिला। और इसी दौरान सितंबर 2021 में स्क्विड गेम के सीजन 1 की रिलीज के बाद नेटफ्लिक्स की चांदी हो गई। शो की मकबूलियत को देखकर ही अंदाज़ा लगाया जाने लगा कि साल के आखिर तक ये सीरीज 8.5 मिलियन तक नए कस्टमर लेकर आएगी। गुज़िश्ता साल स्क्विड गेम रिलीज होने के बाद जहां पूरी दुनिया में इस सीरीज को सराहा गया, तो वहीं कुछ लोगों ने भारतीय अदाकार अनुपम त्रिपाठी को पाकिस्तानी लड़के अली अब्दुल का किरदार देना गैर मुनासिब अमल करार दिया। एक ट्विटर सारिफ लिखते हैं कि भारतीय अदाकारों को ही पाकिस्तानियों का किरदार क्यों दिया जाता है, ऐसे किरदार के लिए पाकिस्तानी अदाकारों का इंतखाब क्यों नहीं किया जाता। वाज़ेह रहे कि ये नेटफ्लिक्स की पहली कोरियन सीरीज थी जो रिलीज होने के 28 दिन के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स में पहले नंबर पर जगह बनाने में कामयाब हुई। सीरीज रिलीज होने के बाद से लोगों का कोरियन जबान की जानिब रुझान बढ़ा। अब देखना यह है कि स्क्विड गेम का सीजन 2 भी पिछले सीजन की तरह कामयाबी के झंडे गाड़ सकेगा या फिर सीरीज से जुड़ी तमाम तर उम्मीदें दम तोड़ जाएंगी।